आप सबको लग रहा होगा कि ये सब क्या और कैसे हो रहा है। इसका कारण है दो दिन पहले की हुई घटना। इस दो दिन पहले की हुई घटना में जो विनाश का कांड हुआ था उसने इन सब दुख और मासूम लोगों के आंसुओं और दुखों का कारण है। तो चलिए क्या हुआ था उस दिन। आज बैसाखी का दिन है 13 अप्रैल सन 1919। आज सब यहाँ पर छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब यहाँ बैसाखी मनाने आए हैं। सुनो सुनो सुनो, मंत्री जी आ रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बैसाखी के दिन हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और देश के जो हालात है वो तो आप सब जानते ही। हमारे माननीय नेता सैफुद्दीन जी किचलू और सत्यपाल जी को इन जुल्मी अंग्रेजों ने उनके सत्य और देश प्रेम के कारण बंदी बनाकर रखा। देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले इन वीरों के लिए हमें एकजुट होकर उनके रोलेट एक्ट का विरोध करना ही होगा। आज बैसाखी के दिन मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इन अंग्रेजों का सामना करने की भीष्म प्रतिज्ञा करें और इनको बताएं कि भारत वीरों की भूमि है, सत्य का साथ और क्रांति की ज्वाला ही हमारी पहचान है। इस भारत माता की पहचान है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जो बोले स्वर्ग स्वर्ग। जो बोले स्वर्ग स्वर्ग। जो बोले स्वर्ग स्वर्ग। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Slaughter all these slaves. Those who will stand against us will be finished. Fire! जब नफरत की आंधी इन सब के अंदर उमड़ आती है तो वो कुछ नहीं देती। वो उम्र जात पात वो सब खा जाती है। इसकी जगह तब दया का मतलब होता है और तब रचता है विनाश का कांड। ये जो लंबी सी बच्ची है जिसका पूरा संसार, उसके माँ बाप, उसका मुस्कान, उसकी बचपन सब एक क्षण में खत्म हो गया, इस लंबी सी जान का क्या हुआ। ये जो बूढ़ी अम्मा है, ये जो एक माँ की परछाई है, किसी की माँ हो सकती है, कुछ भी परछाई हो सकती है, वो इन जुल्म की पैरों तले कुचल दी। ये जो दोस्त यहाँ सब मिलने आए थे उनके भी सपने सारे बिगड़ गए। ये दोस्त जो अपनी नई जिंदगी बनाने वाले थे उन सब की सारे सपने, पूरा संसार एक
क्षण में खत्म हो गया और बाकी भी बहुत सारे लोग थे जिनका अपना अपना परिवार रिश्ते नाते सब इन जेल की तरीके से खत्म कर दिया गया। तो हम सब इन भोगियों के लिए जो विनाश का भोगी था उनके लिए हम कुछ देर मौन धारण करेंगे। भारत माता की जय।